दोस्तों अगर आप ऑनलाइन गेम्स की दुनिया से बाहर निकलोगे ना तो दुनिया में कुछ ऐसे अमेजिंग गेम्स उपलब्ध हैं जिन्हें खेलने में ना वाकई आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आज एक ऐसे ही गेम को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है युद्ध भूमि, और आज मैं आपको बहुत ही आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इस गेम को कैसे खेल सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ टॉयज एंड गेम्स एक्सपेरिमेंट किट सबकी अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों युद्धभूमि का ये बॉक्स है ना यार काफी भारी है, और ये है युद्धभूमि का एक स्टार्टर किट जिसे खेल सकते हैं 2 प्लेयर और 5 साल की उम्र के ज्यादा के लोग इसे खेल सकते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाता है। तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं इस बॉक्स को। दोस्तों बॉक्स हो चुका है ओपन, कंटेंट्स आ चुके हैं बाहर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमें इसके साथ में क्या क्या मिलता है। तो हमें मिल जाती है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और इसकी खास बात यह है कि सिर्फ 5 स्टेप्स में आपको पता चल जाएगा गेम को कैसे सेट करना है, और सिर्फ 3-4 यहाँ पे रूल है, ज्यादा रूल नहीं है। तो इसको रख देते हैं हम साइड में। यहाँ पे हमको 32 मिनी फिगर्स मिल जाते हैं, मतलब 32 सैनिक मिल जाते हैं। इनको 4 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में आ जाती है आर्चर, जिसका सिंपल सा मतलब है जिसके पास है धनुष और तीर वो है आर्चर। यहाँ पे हमको 8 मिल जाते हैं। उसके बाद हम अगली कैटेगरी देखें तो यहाँ पे है हमारे पास स्पीयर्समैन, मतलब जिसके पास है भाला, आप चाहे वो खड़ा भाला है चाहे उसने कंधे पे रखा हुआ है, उसके पास है भाला तो वो है यहाँ पे स्पीयरमैन, वो हमें 8 मिल जाते हैं। साथ ही हमें यहाँ पे मिल जाते हैं शॉट्समैन, मतलब तलवार है हाथ में और मैन है तो शॉट्समैन, और उसी तरह यहाँ पे हमको 8 मिल जाती है शॉट्स वुमेन, मतलब तलवार है और वुमेन है तो शॉट्समैन हो गई। साथ ही हमें यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है जिसमें 2 तरह के टोकन है, एक तो है ये गेम टोकन और दूसरा है ये हीलिंग टोकन। तो फिलहाल इसे रख देते हैं साइड में। साथ ही यहाँ पे हमको 50 नंबर्स ऑफ कार्ड मिल जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं गेम कार्ड, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इनके पीछे लिखी हुई है काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए इन्हें भी हम रख देते हैं साइड में। साथ ही हमें यहाँ पे यार बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कूल सा एक ना डाइस को रोल करने के लिए हमको ये किले जैसा टावर मिल जाता है। सिंपली यहाँ से हम डालेंगे और ये बाहर निकल जाता है इस तरह से, और आपको ये डाइस दिख रहा है जो ये नॉर्मल डाइस नहीं है भैया, ये ना कुछ अलग डाइस है, इसमें कुछ अलग ही गणित लिखी हुई है। तो फिलहाल के लिए इसको भी रख देते हैं साइड और देख लेते हैं भाई और क्या यहाँ पे बचा हुआ है। यहाँ पे फाइनली बचे हुए हैं ये 2 युद्ध भूमि के कार्ड। इसमें क्या करना है, हमें अपनी सेना को ना सजाना है किसी भी फॉर्मेशन में, बहुत ही कूल और बहुत ही अमेजिंग लग रही है। फिलहाल के लिए इसे रख देते हैं साइड। तो फाइनली यहाँ पे हमको एक थैंक यू नोट मिल जाता है डाइस टॉय लैब्स की तरफ से, तो थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए फॉर सेंडिंग दिस गेम। तो फिलहाल यहाँ पे इसे रख देते हैं साइड में और जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कैसे हमें बांटना है इनको, और उसके बाद बताऊंगा आपको मैं कैसे इस गेम को खेलना है। दोस्तों अब हमको करना है डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ईच प्लेयर को दिए जाएंगे 16 सैनिक, 16 वॉरियर, जिसमें शामिल होंगे 4 आर्चर्स, 4 स्पीयर्समैन, 4 शॉट्समैन और 4 शॉट्समैन। साथ ही उन्हें दिए जाएंगे 5 गेम टोकन्स और 10 हीलिंग टोकन्स भी। गेम कार्ड है, उन्हें सिंपली हमको शफल करके बीच में रख देना है, और फाइनली जो है ना हमारा गेम तैयार है खेलने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारी चीजें बराबर बांट ली है, गेम यहाँ पे हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है, और आप देख रहे होंगे कि दोनों सेनाएं जो है ना वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि गेम का मकसद क्या है, कौन होगा इस गेम का विनर। बहुत ही सिंपल है, हमें दूसरे प्लेयर की सेना को ध्वस्त कर देना है। एक भी सैनिक युद्ध भूमि के अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए, जो भी प्लेयर इसे पहले करेगा वो हो जाएगा इस गेम का विनर। तो गेम को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास है एक डाइस, हमको सिंपली इस डाइस को रोल करना है, और मेरे पास यहाँ पे बहुत ही अच्छा किला मौजूद है रोल करने के लिए। तो आप चाहे तो इसमें रोल करिए, आप नीचे भी रोल कर सकते हैं। तो जैसे ही इसे रोल करेंगे इसमें कुछ ना कुछ नंबर आएगा, उस नंबर के ऊपर हमें लेना है एक्शन, और उस एक्शन को पूरा होने के बाद ये जो चांस है ना फिर अगले प्लेयर के पास चली जाएगी, और उसी तरह वो भी रोल करेगा, और इसी तरह ये जो गेम है ये आगे बढ़ता रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप इसे रोल करते हो तो कुछ चीजें इसमें लिखी हुई है, तो इनका मतलब क्या है, इनका मकसद क्या है। डाइस के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है -1, -2, -3, +1, +2 और युद्ध भूमि स्कार फेस। तो मान लो कि मैं पहला प्लेयर हूं, मैंने डाइस को रोल किया और मेरा जाता है -1, तो उस -1 में मैं क्या करूंगा, दूसरे प्लेयर का कोई भी एक सैनिक, चाहे वो स्पीयरमैन हो, चाहे वो शॉट्समैन हो, चाहे शॉट्समैन हो, चाहे आर्चर हो, मैं सीधे सीधे उसे उठा के गेम से बाहर रख दूंगा। उसी तरह अगर -2 आ जाता है तो 2 सैनिक उठा के बाहर रख दूंगा, अगर -3 आ जाता है तो दूसरे प्लेयर के 3 सैनिक में उठा के गेम से बाहर रख दूंगा। उसी तरह अगर मैं डाइस रोल करता हूं और मेरा जाता है +1 या +2, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, ये मेरी सेना है और इसमें अगर मान लो मेरे 5 सैनिक बाहर मरे हुए हैं, तो और मेरा आ जाता है प्लस
2, तो मैं क्या करूंगा, मरे हुए सैनिक में से प्लस 2 जो है अपने युद्ध भूमि में वापस रख लूंगा, प्लस 1 होगा तो एक सैनिक रख लूंगा। अगर मान लो कि मेरा कोई मरा ही नहीं है तो उस कंडीशन में भैया कुछ नहीं होगा, आपको ना चांस जो अगले प्लेयर को दे देनी है, क्योंकि भैया आपका कोई मरा ही नहीं है तो वापस किसे जिंदा करोगे। तो यहाँ पे तो हो गया इस डाइस का रोल खत्म। सिर्फ एक चीज इसमें बचती है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, वो है ये युद्ध भूमि स्कार फेस, जो मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब क्या है, जब भी ये किसी प्लेयर का आ जाएगा तो उसे यहाँ से ना एक गेम कार्ड पिक करना है, और इन कार्ड के पीछे ना यार बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हुई है। मैं कुछ कार्ड आपको जरूर पढ़ के सुनाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे गेम टोकन है, इनका क्या रोल है, इनको आपको कैसे यूज करना है, उसके बाद में आपको फटाफट से इन कार्ड्स का रोल समझाता हूँ। ये है 5 गेम टोकन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था। तो इस गेम टोकन का यूज आप ना जब आपकी चांस आएगी आप तभी कर सकते हो। मान लो कि मेरी चांस आई तो मैं क्या करूंगा, ये डाइस रोल नहीं करूंगा, मैं कहूंगा भैया मुझे ना अपना ये गेम टोकन चलाना है। गेम टोकन का सिंपल सा मतलब है ये चला जाएगा डिब्बी के अंदर वापस, और इसकी जगह मैं यहां से एक कार्ड जो है ना पिक कर लूंगा, और इसके पीछे जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ के सुना दूंगा, वो एक्शन जो है ना वो लेना पड़ेगा जो भी इसके पीछे लिखा हुआ है। तो उसी तरह जब भी मेरा मन करेगा मैं डाइस रोल नहीं करूंगा भैया, मैं गेम टोकन चल दूंगा। जब गेम टोकन खत्म हो जाएंगे तो भैया फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको डाइस ही रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ हीलिंग टोकन्स भी हमने स्टार्टिंग में दिए थे ईच प्लेयर को, तो इनका यूज़ क्या है, इनका यूज़ आप कर सकते हो अपनी चांस से पहले या अपनी चांस के बाद। क्या यूज़ करेंगे इनका, हीलिंग टोकन सिंपल सा मतलब है हील करने के लिए। मान लो कि मेरे 5 सैनिक बाहर मरे हुए हैं तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं बोलूँगा ये लो 5 टोकन वापस मैंने रखता हूँ, और प्लीज़ मुझे मेरे 5 सैनिक वापस दे दो, और वापस वो युद्ध भूमि में आ जाएंगे। इसी तरह इनका यूज़ आप कभी भी कर सकते हो, जब आपके सैनिक बाहर हैं तो आप भैया हीलिंग टोकन का यूज़ करो और उन्हें अंदर बुला लो, और जब ये ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद तैयार हो जाओ हारने के लिए, क्योंकि सेना आपकी ख़त्म होती जाएगी तो वापस ऐसे ही थोड़ी ना आएगी। आएगी कैसे, आएगी इन कार्ड्स की मदद से। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इन कार्ड्स के पीछे क्या लिखा हुआ है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड लिए हैं, सारे के सारे कार्ड्स मैं अभी आपको नहीं बता सकता, पर फिर भी कुछ बता सकता हूँ। जैसे इस कार्ड के पीछे लिखा हुआ है, अगर कोई पिक करता है इस कार्ड को तो -7 अंबुश अटैक ऑन एनिमी वॉरियर। मान लो मैंने ये कार्ड यहाँ से उठाया था और यहाँ पे लिखा है भैया -7, मतलब 7 सैनिक सीधे सीधे इसके आउट हो जाएंगे गेम से। उसी तरह इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है +5 योर वाउंडेड वॉरियर्स रिकवर। मतलब क्या, मैंने रोल किया, मेरा आया इसमें युद्धभूमि में स्कारफेस, मैंने एक कार्ड उठाया और मेरी किस्मत खुल गई भैया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे 5 सैनिक जिंदा हो गए हैं, मैं तो फटाफट से रख लूंगा उन्हें गेम के अंदर। और यहाँ पे देखिए आप इसमें क्या लिखा हुआ, -4 एनिमी आर्चर्स आर बाउंडेड। देखो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया है, मतलब जो भी आर्चर हैं, मतलब 4 यहाँ पे आर्चर हैं दूसरे प्लेयर के, वो मर जाएंगे, गेम से बाहर हो जाएंगे। मान लो उस प्लेयर के पास 3 ही बचे हैं तो ये चौथा नहीं कर सकते आप, क्योंकि 3 ही आपको मारने पड़ेंगे क्योंकि इसके पास 3 ही है, तो इसको भी हम रख देते हैं बाहर। उसी तरह -4 एनिमी स्पीयरमैन आर बाउंडेड, मतलब 4 स्पीयरमैन हैं आप दूसरे प्लेयर के जो गेम से बाहर कर सकते हो, जिस प्लेयर के पास भी ये कार्ड होगा। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, इसमें क्या लिखा हुआ है, -5 -5 द फर्स्ट असॉल्ट क्लेम्स वॉरियर ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों युद्ध भूमि से 5-5 सैनिक जो है ना वो मारे जाएंगे भैया, असॉल्ट आ चुका है। तो देखिए आप गेम को कितना इंटरेस्टिंग बना देगा। और यहाँ पे देखिए +5 +5, मतलब कोई भी प्लेयर ये कार्ड उठाएगा फायदा दोनों का ही होने वाला है। देखिए इस कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5 ऑफ योर वॉरियर्स जॉइन द एनिमी साइड, फियर एंड डाउट क्लेम्ड योर वॉरियर्स, मतलब आपके 5 सैनिक जो है ना आपको दूसरे प्लेयर के खाते में रखने पड़ेंगे, उसकी युद्ध भूमि में रखने पड़ेंगे। वैसे यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाती है, रोल द डाइस फॉर 3 टाइम्स, मतलब एक बार तो आपने चली और आपका युद्ध भूमि फेस आया, आपने कार्ड उठाया, आपके तो मजे आ गए क्योंकि 3 बार आपको और चांस मिल गई। उसी तरह यहाँ पे देखिए आपको मौके मिल जाएंगे पिक 3 गेम कार्ड्स, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। यहाँ पे आपको 3 हीलिंग टोकन भी मिल जाते हैं, और यहाँ पे +3 गेम टोकन भी आप ले सकते हो अगर आपको ये कार्ड उठाने का मौका मिल जाता है। तो ये कार्ड जो है ना इन गेम्स को यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और एक बार जब आप इस कार्ड का यूज कर लोगे ना तो उसे आपको क्या करना है, उसे अलग रख देना है, और उसी के ऊपर अपना ढेर बनाते चले जाना, ढेर बनाते चले जाना। और जब यहाँ से ढेर खत्म होकर यहाँ पे आ जाएगा ना तो उसको ना ऐसे मिक्स कर लेना, मिक्स करने के बाद वापस उसी जगह आप रख देना अगर आपका गेम समाप्त नहीं हुआ है। तो ये तो थे इन कार्ड्स की कहानी जो इस गेम को बनाते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आप इस गेम को परचेस करना चाहते हो तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको और लंबा नहीं खींचूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।